बच्चों, आज की आपकी क्लास में हम सब ये इंडो इस्लामिक और जीके, आपको पता है इंडो इस्लामिक आप फिनिश कर चुके हैं और जीके का आज आपका इंडियन पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। तो बेसिक ज्योग्राफी आप पढ़ चुके, उससे पहले गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ चुके, और फिर अब आज इंडियन पॉलिटी में उसका सेकंड लेक्चर पहले देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ, जैसे कि आपने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपने फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में पढ़ा था, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब आज की शुरुआत हम लोग करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, ठीक है? और आपको ये भी मालूम है कि एक होता है अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस है ये है राज्यसभा, और ये है लोकसभा। इन दोनों के बारे में आप डिटेल से इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दूसरी बात अहम इनके बारे में ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, कब? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एब्सेंस होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एब्सेंस में ये प्रेसिडेंट के रूप में करते हैं। अब ये एब्सेंस की कई रीजंस हो सकती हैं, या तो डेथ हो जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, यानी इस्तीफा दे दिया हो, रिज़ाइन कर दिया हो, या इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट यानी उनको रिमूव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई हो, यानी उन्हें इम्पीच्ड कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो। तो ये उनको रिमूव करने का यानी उन्हें हटा देने की प्रक्रिया हो, या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया हो, या फिर उनकी डेथ हो गई हो, इन तीन बड़े बड़े केसेस में, या इसके अलावा भी कोई और भी केस हो सकता है। तो ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये फिर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? यानी प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं, ठीक? इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो करिए, माइक ऑफ करिए सारे स्टूडेंट्स अपना। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? 5 साल का इनका टर्म होता है, 5 साल का इनका जो है टेन्योर है, और ये इनको इलेक्ट कौन करता है? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनसे इनका इलेक्शन होता है, ठीक है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के, यानी पार्लियामेंट का अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स मिल करके इनको इलेक्ट करते हैं। म्यूट कर ले बेटा, आपने म्यूट कर लीजिए आप सब, ठीक है? चलिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आपने देख लिया, और इससे पहले आपने ये देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, और प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है, और ये एब्सेंस डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, या उनको हटाए जाने की प्रक्रिया
प्रक्रिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इनका इलेक्शन जो है वो इसमें स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा। इसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं आज़ाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस वॉज श्री कृष्णकांत। श्री कृष्णकांत वो व्यक्ति हैं जो के वाइस प्रेसिडेंट थे और अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ऑफिस में रहते हुई हुए। फिर इसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज जनरली द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो जनरली उसका हेड होता है और उसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, कौन, ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। चले, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एडवाइजर के तौर पे काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट होता है इन द पार्लियामेंट। सुन लीजिए, यानी कोई जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका रोल क्या है, नंबर एक ये मुख्य सलाहकार है, चीफ एडवाइजर है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सलाह देगा, मुख्य सलाहकार। इसी तरह हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स मंत्री परिषद है उसका ये हेड होता है, और अपनी जो पार्लियामेंट में सरकार का ये चीफ स्पोक्स मैन होता है, स्पोक्स पर्सन होता है, यानी अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करता है और उसकी तरफ से जवाब देता है। आगे और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीनियर मेंबर होता है ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का सीनियर मेंबर होता है जो मंत्रिमंडल होता है, एंड प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको प्रेसाइड करता है। प्रेसाइड मींस उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करता है, यानी जो प्रेसिडेंट होता है पूरी मीटिंग का, उस कैबिनेट का, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट की मीटिंग्स को की अध्यक्षता करता है, और सीनियर मेंबर होता है कैबिनेट का, इसीलिए उसको ये इसके साथ एक और काम है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास ये पावर है, ठीक है, कि वो कैबिनेट मेंबर्स को सेलेक्ट करे या उनको डिसमिस करे, ठीक है, यानी जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट मेंबर्स। अब कैबिनेट क्या होती है, ये मंत्रियों का पूरा एक ग्रुप, जो मिनिस्टर्स का मंत्रिमंडल, कैबिनेट मेंबर्स को ये सेलेक्ट भी कर सकता है, नंबर एक, टू सेलेक्ट एंड टू डिसमिस, और इनको रिमूव भी कर सकता है, मंत्री पद से हटा भी सकता है, कौन, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर दूसरे और जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं, उन मिनिस्टर्स को भी ये हटाने का और उनको रखने का, उनको डिसमिस करने का और उनको सेलेक्ट करने का इनके पास अधिकार होता है, राइट होता है, किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। अब चौधरी चरण सिंह जो थे वो इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट, अपने ऑफिस में रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए पार्लियामेंट में फेस नहीं किया, और इंदिरा गांधी जो है वो पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं
अब ये एक फैक्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लेवल के, और उसी के साथ साथ एक दो फैक्ट्स हैं कि पहली महिला महिला प्रधानमंत्री कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। कल आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी तरह आज पढ़ा है फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ज़रा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट को कहते हैं संसद, संसद, ठीक है, संसद और पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, उसका पूरा, उसको पूरा कहते हैं संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, यानी आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो तीन बल्कि चार पिलर्स पढ़े थे उसके, जिसमें आपने एक पढ़ा था लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है, टू फ्रेम लॉज, लॉ टू मेक लॉ, ठीक है। तो ये समझ लें कि लॉज, कानून बनाने की जो सबसे बड़ी, सबसे बड़ा जो समझ लें सबसे बड़ी संस्था है वो यही पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कानून बनते हैं और पास होते हैं कानून, उनकी पूरी प्रक्रिया है, और फिर जाहिर सी बात है वो बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर एक बॉडी का काम होता है कि उसे इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। फिर आपको हमने ये भी बताया था कि अब कोई अगर किसी बात को लेकर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, किसी के कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में फिर जुडिशियरी अपना काम करती है, वहाँ इंसाफ दिया होता है, वहाँ पर न्याय दिया जाता है, और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ उनको गार्ड किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, तो वो जुडिशियरी है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और फिर चौथा जो है वो मीडिया को कंसिडर किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, इसमें दो हाउस होते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है राज्यसभा, और इस राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है, स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसी राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। ये मैं पीछे आपको बताता आ रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। तो पूछा जा सकता है कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं या लोकसभा को, तो आप आंसर दीजिएगा। इसी तरह ये दूसरा हाउस, उसमें है लोकसभा, और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, और इसी लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस। तो ये आपके लेवल की जानकारी है, आपको पता होना चाहिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं बहुत आसानी से। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, इसी तरह और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। विच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, अब सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी में आपको कहीं दे दिया गया पार्लियामेंट, दे दिया गया एक ऑप्शन, एक ऑप्शन दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक और कोई ऑप्शन। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, तो आप ऑप्शंस जो आएंगे रॉन्ग उनको आप पहचान लेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये देखिए यहाँ आ गया, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, पार्लियामेंट का अपर हाउस है। मैक्सिमम यानी अधिकतम, अधिकतम, परमिसिबल स्ट्रेंथ यानी जिस स्ट्रेंथ मतलब संख्या, परमिसिबल यानी जिसकी इजाजत है, जिसकी परमिशन है, तो ऑफ राज्यसभा इज 250, ऑफ दीज 238 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो
ये एक पॉइंट है कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, कितने मेंबर्स स्टेट सेलेक्ट करती है और कितने मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से होकर आते हैं, नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट कितनों को नॉमिनेट करता है। इसी तरह राज्यसभा की जो परमानेंट हाउस कहलाता है, ये राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व होना मतलब कहते हैं भंग होना, टू डिसॉल्व। आपके साइंस में डिसॉल्व का मतलब होगा घुल जाना, लेकिन पॉलिटी में इसका मतलब है भंग हो जाना, मतलब पार्लियामेंट पूरी तरह से क्या हो जाना, ख़त्म कर देना। एक उसका टेन्योर है, एक टर्म है, वो पूरा हो गया, फिर इलेक्शन होते हैं, तो वो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं जाते हैं, वो जनता उनको चुनती है। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं अक्रॉस द नेशन सारे स्टेट्स में, फिर वहाँ से वो चुन करके जाते हैं और जा करके फिर वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डिसॉल्व कब होते हैं ये, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट हाउस है बल्कि। ठीक है, यानी डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन क्या होता है, इसका जो नॉर्मल टर्म होता है मेंबरशिप का, वो 6 साल होता है। पूरी एक साथ, जैसे लोकसभा के सारे सदस्य एक साथ, मतलब वो हो गए कि भाई अभी इन्होंने, इनका समय पूरा हो गया, अब चुनाव आएंगे, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 में। ठीक है, 2019 में हुए थे, उससे पहले 2014 में हुए थे, 5-5 साल पे होते हैं, तो अब होने जा रहे हैं 2024 में। तो 2024 में जो चुनाव होंगे, इसका मतलब ये होगा कि अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई और इलेक्शन हुए, फिर अब दूसरे मेंबर्स चुन करके आएंगे सारे एक साथ, उसमें से जो भी इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, जो नए लड़ेंगे, नए चेहरे आएंगे। लेकिन राज्यसभा जो है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि यहाँ ये है कि इनका जो मेंबरशिप का जो टर्म है वो 6 साल का है। अब वो कैसे रिटायर होते जाते हैं, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अगर रिटायर ना हो तो फिर हमेशा वही रहेंगे। ठीक है, तो उसके रिटायरमेंट का एक प्रोसीजर है, वो ये है कि हाउएवर 1/3 मेंबर्स हु हैपेंस टू बी सीनियर। ठीक है, पूरी संख्या का 1/3 पार्ट, 1/3, एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो अपनी सीनियोरिटी की बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियोरिटी, वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, 2 साल के, हर 2 साल के बाद अपनी सीनियोरिटी के बेसिस पर, अपनी वरिष्ठता की बेसिस पर, वो क्या होते हैं, वो सीनियोरिटी के बेसिस पर रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद फिर नए मेंबर्स आते हैं। ठीक, लेकिन एक साथ सारे, जैसे लोकसभा का है वैसा वहाँ नहीं होता, ये याद रखिएगा। अच्छा, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बताया मैंने। इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 545, 530, इसमें में से स्टेट से आते हैं, और 20 जो है फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो ओरिएंटल इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, तो 2 जो है वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट नामित करना। ठीक है, और इलेक्ट होना यानी इलेक्शन में जाकर पार्टिसिपेट करना, वोट हासिल करना, उसके बाद वोटों की बुनियाद पर जीत हार का फैसला होना, और तब आकर के सदस्य बनना, मेंबर बनना, उसको इलेक्शन कहते हैं। और नॉमिनेशन कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर नॉमिनेट कर दिया, नामित कर दिया, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक, आगे अब इसके बाद ये है कि पार्लियामेंट में कई सारे बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं। ठीक है, आपको उतने डिटेल में नहीं जाना। मनी बिल जो है वो कैन ओनली बी इनिशिएटेड, यानी इसकी शुरुआत हो सकती है, प्रेजेंट किया जा सकता है लोकसभा में, वाइल द ऑर्डिनरी बिल कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मनी बिल जो है, मनी बिल अगर आप इसको ला रहे हैं तो आपको इसे कहाँ, कैन ओनली बी इनिशिएटेड, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट,
इसको सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा में एलएस, और ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल, इसको आप ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इट कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा, ठीक है, तो ये दोनों में से कहीं भी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। और जो मनी बिल है उसका इनिशिएशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा, ये एक फैक्ट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद पार्लियामेंट के बारे में बेटा और क्या जानेंगे, हेड ऑफ जो लोकसभा है, यानी लोकसभा एक संसद भवन का एक बड़ा हिस्सा है, पार्लियामेंट का एक बड़ा हाउस है, ठीक है, अपर हाउस नहीं है, लोअर हाउस है, तो लोकसभा के जो हेड है यानी इसको जो चलाता है, ठीक है, कभी आपने संसद भवन को देखा हो तो एक बहुत ऊंचे पर एक शख्स बैठता है और फिर बाकी सारे लोग ऐसे बैठते हैं लेफ्ट में राइट में, ठीक है, तो ये इस तरह लोग सामने बैठते हैं और बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर दिए जाते हैं, तो लोकसभा में जो हेड होता है लोकसभा का उसको स्पीकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पीकर। अब स्पीकर का मतलब तो होता है वक्ता, बोलने वाला, तो क्या बाकी सब खामोश रहते हैं, नहीं, बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत सवाल जवाब होते हैं, बहुत फाइटिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो स्पीकर इनके पद का नाम है, स्पीकर इनका अपना जो एक पद है, ऑफिस है, उसका नाम है, जो इनको पोस्ट मिलती है लोकसभा के हेड को, उसे स्पीकर कहा जाता है। अच्छा, इसका इलेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जिनका ये, जिनके ये हेड हैं उनके मेंबर्स इनको चुनते हैं, यानी लोकसभा में, अब जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी होती है तो उनकी मेजॉरिटी में वो होते हैं, तभी वो रूल करते हैं, तो अधिकतर क्या होता है कि भाई वो स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है, ठीक है, एक होती है रूलिंग पार्टी जो रूल करती है, अब वो एक सिंगल पार्टी भी हो सकती है और एक अलायंस भी हो सकता है, अलायंस मतलब कई पार्टियों का गठजोड़ आपस में, ये अलायंस प्री पोल अलायंस भी होता है और कभी कभी ये अलायंस पोस्ट पोल अलायंस भी होता है, मतलब अलायंस का मतलब गठजोड़, गठबंधन, तो ये अलायंस जो होता है, और ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है कि भाई एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ रही थी, उसने कोई गठबंधन नहीं किया था, इकलौते अपने बलबूते उसने चुनाव लड़ा, जीता, आकर के उसने उनका जो जो सारे सदस्यों का जो लीडर है वो, उनका जो हेड है वो पीएम बन जाएगा, तो ये हो सकता है किसी एक पार्टी का भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई अलायंस किया हो, और ये जो अलायंस होता है, ये अलायंस दो तरह का होता है, कभी इलेक्शन से पहले और कभी इलेक्शन के बाद में गठजोड़ होता है, तो अब एक तो रूलिंग पार्टी हो गई और बाकी सब क्या कहलाते हैं, ऑपोजिशन कहलाते हैं, जिसको आप नाम सुनते रहते होंगे, विपक्ष, ठीक है, तो एक होता है विपक्ष, एक होता है सत्ता पक्ष, ठीक है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष का मतलब क्या हुआ, विपक्ष मतलब जो अगेंस्ट में हो, और पक्ष, सत्ता पक्ष, जिसके हाथ में पावर हो, ठीक है, द वन हु होल्ड्स पावर, जिनके हाथ में पावर है, और ये क्या करते हैं, इनका काम होता है विपक्ष का कि ये सत्ता पक्ष में यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके काम पे बड़ी पैनी निगाह रखें और ये देखें कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट करने वाली है, या जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी कथनी और करनी में अंतर है, ठीक है, उसके अपने एक्शंस में और उसके अपने काम में या उसकी अपनी स्पीच में, दोनों में डिफरेंस है, तो ये इनका काम होता है कि ऑपोजिशन, और सबसे बड़ी बात होती है कि ऑपोजिशन का काम है कि वो पब्लिक की आवाज़ को, यानी जनता की आवाज़ को वहाँ पहुँचाएँ, कहाँ पहुँचाएँ, पब्लिक वॉइस को रेज करें, पब्लिक इशूज़ को रेज करें, गवर्नमेंट का ध्यान उधर दिलाएँ, दिस इज़ द मेन टास्क ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, अब इस तरह से ये गवर्नमेंट चलती है, ऐसे सारे कहानियाँ बनती हैं, तो अब जाहिर सी बात है ये सारी जो इतनी बड़ी कहानी है इसको चलाने के लिए कोई मॉनिटर होना चाहिए ना,
जैसे आपका क्लास है तो आपके क्लास में, फिजिकल क्लास में जब आप जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो एक मॉनिटर होता है, ठीक है। और मॉनिटर का काम क्या होता है, और मॉनिटर से भी ऊपर टीचर होता है, टीचर, और फिर इनके भी ऊपर जो है प्रिंसिपल है, एडमिन है, इंचार्ज है, ये सब क्या होता है बेटा, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि सबकी लाइबिलिटी अपने अपने दायरे की, अपने अपने स्कोप की जितनी लाइबिलिटी वो तय हो, मालूम हो कि किसको क्या करना था और वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वॉच करने वाला कोई हो, देयर इज समबडी हु मॉनिटर, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या है, क्लास का मॉनिटर, वैसे इन पूरे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज और इन सब का जो पूरा पार्लियामेंट का जो कामकाज है उसको देखने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कौन है, स्पीकर, याद रखिएगा। अब ये स्पीकर जो है, फर्स्ट स्पीकर जान लीजिए कौन थे, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर जी वी मावलंकर थे, नाम याद रखिएगा, जी वी मावलंकर। और फर्स्ट विमेन स्पीकर कौन है पार्लियामेंट की, वो लोकसभा की, सॉरी, वो मीरा कुमार, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर है, ठीक है, ठीक है। स्पीकर को जनरली स्पीकर ही बोलते हैं, तो ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे, और इस तरह से आप जान गए कि पार्लियामेंट की पूरी ये कैसे चलती है पूरी कहानी, ठीक है। तो पूरा उनको मॉनिटर करना, सबको टाइम देना, बोलने का मौका देना, अपनी बात रखने का मौका देना, पूरा संसद का जो कार्यवाही है, लोकसभा की जो कार्यवाही है, वो चलाना, चला कौन रहा है, स्पीकर करता है, स्पीकर चल। हाँ, अब मैंने बताया ना कि ये मेंबर्स इसको चुनते हैं लोकसभा के, और लोकसभा में मेंबर्स रूलिंग पार्टी के ही ज़्यादा होंगे, तो होता यही है जनरली कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि स्पीकर बायस्ड ना हो, पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल हो, अनबायस्ड हो, यानी पक्षपात नहीं करे, ठीक है। ये उम्मीद रखी जाती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, और ऐसा ही आदर्श है, मतलब यही आइडियल है, होना भी यही चाहिए, ठीक है। अब वो अलग बात है, होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रावधान संविधान में यही दिए गए हैं, इसमें यही बात लिखी हुई है। चलिए इसके बाद आप देखिए, स्टेट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल्स। अब आपको जितना कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड जानना था वो आ चुका आपके सामने, बल्कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब फैक्ट आएंगे, और उसमें सबसे पहला काम ये है कि आपको दो अहम बातें पता होनी चाहिए कि भाई स्टेट्स कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, स्टेट की अपनी कैपिटल क्या है, यूनियन टेरिटरीज की अपनी कैपिटल क्या है, और स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनियन टेरिटरी की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आसान करके आपके सामने ये चार्ट वगैरह बनाए हैं, दिए हैं, और इसको आप ध्यान से देखिए ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आपके सामने ये चार्ट है, और इसमें स्टेट, ठीक है, स्टेट्स इनके नेम दिए हुए हैं, इन स्टेट्स की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड कैपिटल यू नो राजधानी, ठीक है, और राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव मींस प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। अच्छा, जुडिशियल कैपिटल यानी जहां पर जुडिशियरी का अपना हेड ऑफिस हो, यानी हाई कोर्ट की अपनी जो सीट हो वो कहां पर हो, किस सिटी और किस डिस्ट्रिक्ट में हो, और वही डिस्ट्रिक्ट कैपिटल कहलाने लगती है। जैसे आपको शुरुआत में ही मैं मिसाल देता हूँ, एक आप अपने स्टेट को अच्छी तरह जानते होंगे, आई थिंक सो, आप जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एंड आपके उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, वो लखनऊ है। लेकिन अगर थोड़ा रुक के ठहर के आपसे पूछा जाए, बताइए उत्तर प्रदेश की एक और कैपिटल है, तो आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि लखनऊ कैपिटल है। दूसरी कैपिटल वो होती है जो जुडिशियल कैपिटल कहलाती है, और जुडिशियल कैपिटल मींस जहां पर आपकी न्यायपालिका का अपना जो है वो
जुडी इसका मतलब क्या है, जुडिशरी यानी न्याय, न्यायिक, एक सेकंड देखिए, देखिए बेटा एक मिनट, हाँ तो इसको कहते हैं, ये इरेज नहीं हो रहा है, एक मिनट, हमारा इरेजर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, न्यायिक राजधानी, ठीक है, न्यायिक राजधानी। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने आपको अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल दी है ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, कौन सी कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, क्योंकि जो स्टेट असेंबली है वो लखनऊ में है, ठीक है, यहीं पर सीएम का अपना ऑफिस है, ठीक, लेकिन जो इसकी जुडिशियल कैपिटल है वो इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर हाई कोर्ट, आपने सुना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट है उसकी अपनी सीट जो है स्टेट की वो वहीं है, ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब आप ध्यान से देखते जाइए, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए स्टेट्स, तो नेम ऑफ स्टेट्स भी आएंगे और उनकी कैपिटल भी आती जाएगी। आंध्र प्रदेश अमरावती, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी वही है, जुडिशियल कैपिटल भी वही है अमरावती, ठीक है, पहले हैदराबाद हुआ करती थी। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर गुवाहाटी, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ईटानगर और गुवाहाटी इनका जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट कई सारे स्टेट्स के लिए कलेक्टिवली म्यूचुअली क्या बन जाए, जुडिशियल कैपिटल बन जाए, ठीक है। आसाम दिसपुर, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गई और गुवाहाटी, जैसे देखिए यहाँ भी, ठीक है, जो जुडिशियल कैपिटल। बिहार पटना, पटना यानी बिहार का अपना जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक जो राजधानी है, जहाँ सीएम, जहाँ पर स्टेट असेंबली है, वो पटना में है, और जो जुडिशियल कैपिटल है वो भी पटना है, यानी वहाँ का जो हाई कोर्ट है और वो वहीं है पटना में। छत्तीसगढ़ रायपुर बिलासपुर, ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंट हो गई। तो इस तरह से आप इनको देखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट्स दिए हुए हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। गोवा पणजी और मुंबई, ठीक है, गुजरात गांधीनगर अहमदाबाद, हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है, दोनों सेम। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में शिमला, झारखंड रांची, ठीक है, तो ये आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और इनके ध्यान रखेंगे। कोई एक भी क्वेश्चन आ सकता है, कर्नाटका बैंगलोर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वही इनकी जुडिशियल कैपिटल भी है बैंगलोर, जिसको आप बेंगलुरु बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट हो गई है, अब चेंज हो गया है नाम। केरला थिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम, ये इनकी जुडिशियल कैपिटल है। मध्य प्रदेश भोपाल जबलपुर, महाराष्ट्र में आप जानते हैं मुंबई, इससे पहले एक जगह और आया है, कहाँ आया है, गोवा में आया है, ठीक है, गोवा की जो जुडिशियल कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है, ठीक है। इसी तरह आगे मणिपुर इम्फाल, अब देखिए बोथ आर सेम, जो इनकी जुडिशियल कैपिटल है वही इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, सेम सिटी। इसी तरह आगे मेघालय शिलोंग, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल सेम है। यहाँ मिजोरम आइजवाल और गुवाहाटी, अब यहाँ देखें फिर से गुवाहाटी दो बार, इससे पहले भी दो बार आ चुका है ये, ठीक है, नागालैंड मिजोरम, ठीक है, इन दोनों का जो जुडिशियल कैपिटल है वो सेम है,
लेकिन दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो डिफरेंट है। उड़ीसा, भुवनेश्वर और कटक डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट सिटीज, टू डिफरेंट सर्व, टू डिफरेंट पर्पजेज। पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, सेम सेम। तो चंडीगढ़ का नाम कई दफ़ा आएगा। राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी। सिक्किम, गंगटोक, गंगटोक, सेम सेम। तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई। तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद त्रिपुरा, अगरतला और अगरतला, त्रिपुरा, ठीक है। तो जहाँ डिफरेंट है उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बताया ना कि लखनऊ ये यहाँ की क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज है वो जुडिशियल कैपिटल। उत्तराखंड जो पहले कभी उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, उसको डिवाइड करके अलग कर दिया गया, अलग स्टेट बन गया उत्तराखंड, उसकी जो राजधानी देहरादून और फिर जुडिशियल कैपिटल नैनीताल। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कोलकाता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखें। जब कैपिटल पूछी जाए तो ये ज़रूर देखें कि क्या पूछी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जुडिशियल। लेकिन अगर कुछ ना मेंशन हो तो इसका मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की ही बात की जा रही है, राइट। चले इसके बाद, अब मैंने कहा था ना यूनियन टेरिटरीज की बारी आएगी, तो टोटल स्टेट्स आपने देखा पीछे आ गई उनकी संख्या। यूनियन टेरिटरीज की जो टोटल संख्या है वो 8 है, 8, पहले 9 होती थी, ठीक है, लेकिन अब 8 हो गई है, बल्कि उससे पहले 7 थी, पहले 7 थी, फिर उसके बाद 9 हुई, और फिर उसके बाद अब फिर 8 हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपसे रीसेंट जो कुछ है वो आप जान लीजिए। तो वन बाय वन समझते चलिए। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अच्छा। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, और कोलकाता इनकी जुडिशियल कैपिटल है। वेस्ट बंगाल की भी कैपिटल जो है कोलकाता है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो यूटी भी है, और चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल भी के तौर पे भी सर्व करती है, ठीक है। जैसे आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि चंडीगढ़ का नाम आपने पंजाब और हरियाणा में भी पढ़ा था, चंडीगढ़ यहाँ भी है, तो इसका मतलब चंडीगढ़ एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी, और चंडीगढ़ स्टेट की, दो स्टेट्स की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी चंडीगढ़ और जुडिशियल कैपिटल भी चंडीगढ़। अच्छा, पहले यहाँ ध्यान दे लीजिए, दादरा एंड नागर हवेली, पहले ये एक और दामन एंड दीव, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ये अलग होते थे, लेकिन वापस से दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। दो अलग थे, फिर दोनों को एक कर दिया, जब एक कर दिया तो अब फिर क्या हुआ, इनकी संख्या कम हो गई। पहले संख्या टोटल कितनी थी, 9 थी, ठीक है, तो अब ये एक इनकी ये यहाँ से कम हो गया। दमन और मुंबई इनकी यानी जुडिशियल कैपिटल वही है। लक्षद्वीप आइलैंड है, बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, बीचेस हैं यहाँ, ठीक है, लक्षद्वीप। कवरत्ती और एर्नाकुलम, एर्नाकुलम आपने कहाँ पढ़ा था, और केरल में पढ़ा था। केरल की जो जुडिशियल कैपिटल है वो एर्नाकुलम है, और केरल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। आगे तो चार उधर देखे आपने, दिल्ली, दिल्ली यूटी है, और दिल्ली जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली, और जुडिशियल कैपिटल न्यू दिल्ली। पुडुचेरी, पहले इसे पौंडीचेरी कहते थे, अब इसका नाम पुडुचेरी पड़ गया है, तो पुडुचेरी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पुडुचेरी है या पौंडीचेरी है, और इसकी
जुडिशियल कैपिटल चेन्नई है। जम्मू एंड कश्मीर इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, हटा लेने के बाद, फिर ये अब जो है वापस से क्या बन गया, यूटी बन गया, ठीक है, और यूटी भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसमें इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो दो तरह से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको, वो कैसे, कैपिटल दो हैं, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। तो श्रीनगर जो इसकी कब होती है, जब समर्स होते हैं, समर, ये समर कैपिटल है, यानी गर्मियों में जो यहाँ की कैपिटल होगी एडमिनिस्ट्रेटिव वो श्रीनगर है, श्रीनगर, ठीक है। जम्मू एक सिटी है, इस डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये नवंबर से अप्रैल, यानी ये विंटर, विंटर्स में ये इसकी कैपिटल होगी, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरह जुडिशियल कैपिटल भी श्रीनगर कब होगी, समर्स में, और जम्मू इसकी जुडिशियल कैपिटल होगी विंटर्स में। साउथ वेस्ट मत समझ लीजिएगा, समर्स एंड विंटर्स। अच्छा, लद्दाख, लद्दाख जो है ये भी एक यूटी है, और यहाँ भी आपको दो अलग अलग क्या है, सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, एक लेह है और एक कारगिल है। तो लेह जो है वो समर्स में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है, और कारगिल विंटर्स में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है, किसकी, लद्दाख की। वापस से फिर यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जुडिशियल कैपिटल सेम है, ठीक है, यानी न्यायिक राजधानी दोनों की सेम है, प्रशासनिक राजधानी दोनों की डिफरेंट है। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत काम की बातें हैं, इन पर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आप कहीं गुमराह हो गए तो फिर काम हो जाएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये श्रीनगर ये समर्स में और जम्मू विंटर्स में, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं कि समझ में ना आए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का और जुडिशियल कैपिटल का, ठीक है। चलिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूटी और हर एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल सेम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, तो दोनों हो सकता है, ठीक है, वो केस आपको देखना पड़ेगा किसका है। तो बेटा ये यूटीज आपकी हो गई और स्टेट्स आपके हो गए, ठीक है। तो यूटीज और स्टेट्स को समझ लेने के बाद अब आगे और देख लीजिए, यहां पे आइए। अब देखिए, स्टेट्स और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। कभी कभी किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई एक होती है या एक से ज़्यादा भी होती हैं। तो जो जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए, आंध्र प्रदेश, 28 जो स्टेट्स आपने देखे, उन सब की बारी बारी ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए, और याद रखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक होती है या दो होती हैं या और ज़्यादा हो सकती हैं, मेन ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दी गई, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये संविधान ने प्रावधान दिया है, मतलब संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक प्रावधान दिया है कि हर एक स्टेट और यूटी अपने हिसाब से, स्टेट्स और यूटीज अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने राज्य की या अपनी यूटीज की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए। उस तरह जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, असम असमीज और इंग्लिश, बिहार, ठीक है, हिंदी उर्दू भी, छत्तीसगढ़ हिंदी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। गोवा, जिस सीक्वेंस में आपने इनकी राजधानी के बारे में देखा था उसी सीक्वेंस में आपको मैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी बता रहा हूँ। गोवा की है कोंकणी और मराठी, ठीक है,
अच्छा, मराठी का ताल्लुक महाराष्ट्र से भी है और गोवा का ताल्लुक मुंबई से भी है, क्योंकि आपने पढ़ा था गोवा की जो जुडिशियल कैपिटल है वो मुंबई है। ठीक। गुजरात, गुजराती और हिंदी, हरियाणा हिंदी और पंजाबी, हिमाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद झारखंड हिंदी उर्दू, इसी तरह कर्नाटका कन्नड़, नो हिंदी नो उर्दू नो इंग्लिश, कन्नड़ यहाँ की अपनी जो लैंग्वेज है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीक कन्नड़। जैसे आपने पीछे तेलुगु के बारे में पढ़ा और आंध्रा के बारे में, केरल मलयालम और इंग्लिश भी, मध्य प्रदेश हिंदी ओनली हिंदी, हो सकता है और एडिशनल लैंग्वेज एक आध हों, महाराष्ट्र मराठी, दिस प्राइमरीली मराठी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑल्सो, मणिपुर मणिपुरी इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मेघालय इंग्लिश, गारो खासी, मिजोरम मीजो मीजो, ये यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज। इसी तरह नागालैंड इंग्लिश, उड़ीसा उड़िया या इंग्लिश और इंग्लिश, पंजाब पंजाबी, पंजाबी एक जगह और आई थी वो आपने हरियाणा में पढ़ा है, ठीक है, हरियाणा की भी एक एडिशनल लैंग्वेज है ऑफिशियल पंजाबी। राजस्थान हिंदी इंग्लिश। अच्छा, मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार, ये सब यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। एक आध जगह उर्दू भी शामिल कर ली गई है और भी एक आध। अच्छा, सिक्किम नेपाली, नेपाली के अलावा भी यहाँ 10 और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं जिनको एडिशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का। तमिलनाडु तमिल और इंग्लिश, तेलंगाना तेलुगु उर्दू, ठीक है। त्रिपुरा बंगाली कोकबोरोक और इंग्लिश, ठीक है, तो ये त्रिपुरा। इसी तरह आगे देखें उत्तराखंड हिंदी और यहाँ एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे संस्कृत भी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे एक उर्दू भी है हिंदी के अलावा। वेस्ट बंगाल बंगाली नेपाली हिंदी कमतापुरी कुरुक और उर्दू, कई सारी लैंग्वेजेस। तो आपने देखा ये ऑफिशियल लैंग्वेज वो जहाँ पर जो आधिकारिक स्टेट की अपनी लैंग्वेज जिसमें उसके अपने सारे सरकारी काम होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो लैंग्वेज बोल रही होती है, ठीक है, सरकारी काम सरकारी एडवर्टीजमेंट जो भी कुछ हैं वो सब अधिकतर, और जितने भी कार्यालयी काम होते हैं प्रशासनिक काम होते हैं वो इन लैंग्वेजेस में होते हैं जहाँ जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो वो तो आपने पढ़ा स्टेट्स के बारे में, अब आप पढ़िए यूनियन टेरिटरीज के बारे में कि हर एक यूनियन टेरिटरी की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी, एटलीस्ट एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये पीछे आप पढ़ चुके थे एक बार, और फिर दोबारा यूटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइए कि बार बार ये क्या हो चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने स्टेट्स और यूटीज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इनकी कैपिटल्स पढ़नी है। ये कैपिटल जो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़नी है और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों, ठीक है, जुडिशियल कैपिटल, तो ये दोनों के साथ है, यानी ये जो कैपिटल होंगी कैपिटल्स चाहे वो यूटीज की हो और चाहे वो स्टेट्स की हो, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल दोनों। इसी तरह आपको स्टेट्स और यूटीज इनकी क्या पढ़ना है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जानना है क्योंकि इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हैं आ जाते हैं। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये इंग्लिश और हिंदी, चंडीगढ़ इंग्लिश, दादरा एंड नागर हवेली, ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका कि पहले ये दोनों अलग अलग यूटीज थी,
फिर इनको कंबाइन कर दिया गया, एक हो गई, तो इनका दोनों की जो कलेक्टिव जो स्पीकिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो उसमें गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, हिंदी है, लक्षद्वीप मलयालम इंग्लिश, ठीक है, मलयालम इंग्लिश। चलिए दिल्ली आपको पता है हिंदी, पुडुचेरी जिसको पौंडीचेरी बोलते थे तमिल, जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी, डोगरी इंग्लिश हिंदी उर्दू, लद्दाख लद्दाखी पुर्गी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपने यूटीज की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख ली, इसको बार बार देख लीजिए और समझ लीजिएगा, मतलब समझ तो लिया होगा, इसको ध्यान से अच्छी तरह। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस के बाद मैं 2-4 मिनट का आपको ब्रेक दूंगा, 2 मिनट का, उसके बाद फिर आपकी एक क्लास और होनी है, वो थोड़ा आपकी शॉर्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो क्लास में अभी जाइएगा नहीं। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कल की या इससे पहले की जो आपकी क्लास थी उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में यानी संवैधानिक सभा जो हुई थी उसके बारे में पढ़ा था, और वो उसके जरिए जो नेशनल फ्लैग है यानी ट्राई कलर, ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा नेशनल फ्लैग है उसे कब अडॉप्ट किया गया था, किस डेट को, ठीक है। जो सैंपल क्वेश्चंस हैं तो देखिए सारी जगह नोटिस करिए, आंसर बताते जाइए, और याद वो आपका हाँ म्यूट रखिएगा खुद को। देखिए 1947 सब जगह 1947 है ऑप्शंस में, ठीक है, और है भी 1947, लेकिन अब कैसे याद करें ये डेट कि तिरंगे को आधिकारिक तौर पर कब अडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे दूं, 22nd है डेट, अब वो 22nd कौन सी है, तो यानी ये दो ऑप्शन तो निकल गए। अब 22nd में जुलाई है और अगस्त है, ठीक है, तो याद रखिए 22nd है जुलाई है, ठीक है, अब ये याद रखेंगे आप, डेट भूलेंगे नहीं, ठीक, यानी 22 जुलाई 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने तिरंगे को अडॉप्ट किया था ऑफिशियली, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल, रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये आप इसको करेंगे सब क्वेश्चन को, मैं इन सारे क्वेश्चंस को अभी दिखा रहा हूँ, और अगली जब क्लास होगी, ठीक है, उसमें आपसे इन सब के सवाल पूछेंगे, यानी आज की अगली नहीं, अब नेक्स्ट जब भी हम कभी आपके सामने आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, दो ही कुछ ही एक दो क्लासेस रह गई हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और पिछले सारे चैप्टर्स से होंगे तकरीबन, तो उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप, मैं ये चेक करूंगा कि आपने कितने सिंसियरली नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगा। तो आगे चलते हैं, और मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको शो कर रहा हूं, और ये पीछे आ चुके हैं, जैसे नेम ऑफ आवर कंट्री एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, भारत और इंडिया है, हिंद और भारत है, भारतवर्ष और इंडिया है, हिंदुस्तान और इंडिया है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखेंगे तो उसमें इंडिया का नाम क्या है, ठीक है, तो इसको आपने देखा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, चीफ जस्टिस को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, मिनिस्ट्री द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामलों के जो मंत्री हैं, ठीक है, फॉरेन, तो उन एक्सटर्नल अफेयर्स वाले मिनिस्टर कौन पहले नागरिक कहलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन किसे कहते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपको मैं फूड फॉर थॉट के तौर पे दे के जा रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ाद भारत के पहले जो आज़ाद भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एम एम के एम मुंशी, ठीक है,
इसको भी देखिएगा। इसके बाद हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रीफेस कहलाता है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में। द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष, बिफोर का मतलब यहाँ पर समक्ष है, के सामने, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष के सामने प्रीएम्बल को प्रपोज किसने किया पहले, तो जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, सब इन चारों नामों में से कौन होगा। तो ये क्वेश्चंस थे, इनको आप इनके बारे में सोचिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अभी हम आपके पास सामने दो मिनट बाद आते हैं और आपकी अब इसके बाद नेक्स्ट एक क्लास और है आज कंटिन्यूएशन में, तो दो मिनट बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड।